11 न्यू 1 मिनट मैनेजर समझाते हैं। जब वह मैनेजर के ऑफिस पहुंचा, तो कर्टनी ने कहा, वे सोच रहे थे कि आप उनसे मिलने दोबारा कब आएंगे। जब युवक ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसने एक बार फिर गौर किया कि यह कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित था। मैनेजर ने गर्मजोशी भरी मुस्कान से उसका अभिवादन किया। अपनी यात्राओं में आपको क्या मिला? काफी कुछ। मुझे बताएं कि आपको क्या मिला। मुझे पता चला कि आपको न्यू 1 मिनट मैनेजर क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने 3 रहस्यों को नए सांचे में ढालते रहते हैं। आप और आपकी टीम मिलकर 1 मिनट के लक्ष्य बनाते हैं ताकि हर कर्मचारी पूरी तरह से जान जाए कि उसे किसके लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है और अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। फिर आप कर्मचारियों को कोई चीज अच्छी तरह करते हुए पकड़ते हैं और उन्हें 1 मिनट की प्रशंसाएं देते हैं। और जब आप देखते हैं कि कर्मचारियों ने कोई गलती की है तो आप उन्हें 1 मिनट का पुनः मार्गदर्शन देते हैं। है, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं हैरान हूँ कि इसमें कितना कम समय लगता है, लेकिन फिर भी यह कारगर नजर आता। युवक झिझका और फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि यह पूछना आपको मेरी धृष्टता नहीं लगेगी, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं कि आप मैनेजर के तौर पर जो करते हैं उन सबको करने के लिए केवल 1 मिनट की जरूरत होती है? मैनेजर हंस पड़े। जाहिर है नहीं, लेकिन यह एक जटिल काम को आसान बनाने का तरीका है। लक्ष्यों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने और कर्मचारियों के प्रदर्शन पर उन्हें महत्वपूर्ण फीडबैक देने में अक्सर केवल 1 ही मिनट लगता है। 3 रहस्यों का इस्तेमाल शायद हमारी सिर्फ 20% गतिविधियों पर ही होता है, लेकिन इससे हमें अपने 80% परिणाम हासिल करने में मदद मिलती है। यह 80/20 का पुराना नियम है। मैनेजर ने आगे कहा, इसके अलावा आपने और क्या गौर किया? देखिए, आपके कर्मचारी यहाँ काम करके खुश हैं और आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। मुझे यकीन है कि यह आपके लिए कारगर है। मैनेजर ने उसे आश्वस्त किया, और अगर आप ये करेंगे तो यह आपके लिए भी कारगर साबित होगा। शायद, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे इसे तब करने की ज्यादा संभावना है अगर मैं इस बारे में ज्यादा समझ सकूँ कि यह क्यों काम करता है। निश्चित रूप से नौजवान, ये हर एक के बारे में सच है। हम इस बात को जितना ज्यादा समझते हैं कि कोई चीज क्यों काम करती है, उसका इस्तेमाल करने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। आइए मैं आपको एक स्मरणीय वाक्य दिखाता हूँ जो मैं अपने कंप्यूटर पर रखता हूँ। युवक मुड़ा और उसने देखा, मेरा सर्वश्रेष्ठ मिनट वह होता है जिसका निवेश मैं लोगों में करता हूँ। यह विडंबना है कि ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों के वेतन पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वे उनके विकास पर अपने बजट का बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च करती हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर कंपनियां अपनी इमारतों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के रखरखाव में जितना समय और पैसा खर्च करती हैं, उतना अपने कर्मचारियों को विकसित करने में नहीं करती हैं। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, युवक ने स्वीकार किया। लेकिन अगर कर्मचारी ही परिणाम देते हैं तो इसमें समझदारी नजर आती है कि कर्मचारियों में ज्यादा निवेश किया जाए। बिल्कुल, मैनेजर ने उजागर किया, जब मैंने पहले पहल नौकरी शुरू की थी तब काश किसी ने मुझ में ज्यादा जल्दी निवेश कर दिया होता। आपका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। मैं जिन संगठनों में गया उनमें से ज्यादातर में मैं अक्सर यही नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। किसी ने भी मुझे बताने की जहमत नहीं उठाई। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता, मुझे नहीं पता, या मुझे ऐसा ही लगता है। अगर आप मुझसे पूछते कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मेरा जवाब होता, कुछ समय से मेरे बॉस ने फटकारा नहीं है, या अगर कोई खबर नहीं है तो यह अच्छी खबर है। ये तो लगभग वैसा ही था जैसे मेरी मुख्य प्रेरणा सजा से बचने की थी। मुझे, युवक ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि आप अलग तरीके से प्रबंधन क्यों करते हैं, लेकिन मैं अब भी हैरान हूँ कि ये 3 रहस्य इतने कारगर क्यों हैं। मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लक्ष्य तय करना क्यों कारगर है?